नमस्कार जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। बरही के पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव ने राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की और बरही डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक कार्य शुरू करने की स्वीकृति देने पर आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान श्री मनोज कुमार यादव ने हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक उप कुलपति की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए भूमि की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बरही प्रखंड के कटियोन गांव में 9 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन क्षेत्रीय महासभा अध्यक्ष गोपाल सिंह व युवा अध्यक्ष राज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किया। डीएवी पब्लिक स्कूल बरही के छात्राओं ने 203 कोबरा वाहिनी सैनिकों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। इस मौके पर कोबरा बटालियन के कमांडेंट पवन कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी कैलाश गंगवाने एवं विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। बरही के पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव ने चौपारण छात्रा मोड़ देवी मंडप के पास स्थित श्री मंगलम अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि विनोद सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव ने मंगलम अल्ट्रासाउंड सेंटर के उद्घाटन समारोह में कहा कि इस नए केंद्र से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सेंटर स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच में सहायक होगा। इस मौके पर पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष राजदेव यादव, स्थानीय मुखिया विनोद सिंह, आशीष सिंह, प्रभात सिंह, जितेंद्र सिंह, आदित्य चौरसिया, सत्येंद्र सिंह, अशोक केशरी, दिलीप राणा, राजदेव कुमार, डॉक्टर संजीत सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर ए आलम, असीम कुमार चटर्जी, रामचंद्र सिंह, कश्यप जी, तस्लीम राजा, कृष्णा यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।